बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास ये मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर है। आज हम सफ़ा नंबर 33-34 पे, सॉरी 34-35 पे, जो हमारा लास्ट पॉइंट रहता है इब्तदाई मसाइल वाला वो पढ़ेंगे। इब्तदाई मसाइल में लास्ट पॉइंट है सियासी मुश्किलात, और पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात और कारनामे आप ही इसमें से पढ़ेंगे। बेटा हम पीछे पढ़ चुके हैं 6 पॉइंट्स में कि भारत में पाकिस्तान बंद हो गया। अब उनके लिए किसी तौर से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान क्यों बना है, चुनाचे वो इसके लिए पे दर पे मुश्किल खड़ी करते रहे। कौन कौन सी मुश्किल खड़ी की इसके बारे में थोड़ा सा हम पीछे पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ते हैं। सियासी जरूरी मुश्किल थी, रेडक्लिफ अवार्ड का मसला था, उसके बाद फौजी सासाजात की तकसीम का मसला था, माशी मुश्किल, इंतजामी मुश्किल और महाजरीन की आबादकारी, ये सारे मसाइल के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज अब पढ़ते हैं सियासी मुश्किल। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई सियासी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त कई आज़ाद शाही रियासतों ने पाकिस्तान के साथ अलहाद किया। इनमें कौन कौन सी रियासतें थी? इनमें मनावादार वगैरह शामिल थी। भारत को इन रियासतों का पाकिस्तान में शामिल होना पसंद ना आया और इसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्जा कर लिया। इस तरह रियासत कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आखिर में कब्जा कर लिया। अब ये आजाद शाही रियासत थी। जब कह दिया गया था कि जौन से मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं वो जब मर्जी पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, तो भारत को अब जब इन आज़ाद शाही रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया तो भारत को इन रियासतों का इल्हाक पसंद ना आया और इसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्जा कर लिया। इस तरह रियासत कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आखिर में कब्जा कर लिया। इसके बाद कायद आज़म की डेथ हो गई। कायद आज़म की डेथ पर अपने अज़ीम कौमी लीडर के जाने पर जो कौम की हवामे निकाल थी, भारत ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह कदम कदम पर भारत ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ मुसलसल काम किया। कश्मीरी अवाम जो थे वो अब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे। इसी कश्मकश की कैफियत में रियासत में तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा। रियासत कौन सी? आज़ाद कश्मीर वाली और जम्मू कश्मीर वाली। कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी थी उसने जोर पकड़ा और आज़ाद कश्मीर का इलाका जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो गया। पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात और कारनामे अब पढ़ते हैं। 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया, सॉरी 15 अगस्त को। 14 अगस्त को तो पाकिस्तान कायम हुआ और 15 अगस्त को कायद आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। लियाकत अली शाह जो थे इसके पहले वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। मुसायदा मुल्कत का दस्तूरी ढांचा जो था वो अभी नामुकम्मल था। बेटा आपको भी पता है कि किसी चीज़ को, किसी घर को भी चलाने के लिए कुछ असूल और कवायदों जवाबत की ज़रूरत होती है जिनके बगैर घर नहीं चल सकता। इसी तरह किसी रियासत को चलाने के लिए भी कुछ असूल और कायदे जबते चाहिए होती हैं जिन पर चलकर मुल्क जो है वो मुकम्मल तौर पर सही जिम्मत में गामजन हो, तरक्की की राह पर गामजन हो। अब पाकिस्तान जो मुजाहिदा मुल्क थी उसको चलाने के लिए एक दस्तूरी ढांचे की ज़रूरत थी। जो मुजाहिदा मुल्क था उसका दस्तूरी ढांचा चूँकि नामुकम्मल था, अब पहले ये कोशिश की गई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1935 में उसमें मुनासिब तब्दीलियाँ करके, थोड़ी सी तरामीम करके, थोड़ा सा रद्दोबदल करके उसको पहले दस्तूरी आइन के तौर पर पाकिस्तान के लिए बनाया गया कि इसी पर चलकर हम थोड़ा सा वक्त गुजारते फिर अपने लिए बाकायदा आइन बना लेंगे। लेकिन ये आइन चूँकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था 1935 का आइन और ये हमारे तकाजों और मंगों के मुताबिक नहीं था, जो हमारे मुल्क के तकाजे थे पाकिस्तान के उसके मुताबिक ये आइन नहीं था जो 1935 का आइन था। चुनाचे कौमी एहसास से हम आहंग आइन जो था, जो हमारे मुल्क के लिए चाहिए था, जो एक मुस्लिम रियासत के लिए आइन की ज़रूरत थी उसके लिए कोशिश की गई और ये आइन
किया गया 1956 में। इस आइन पर काम शुरू हो गया था लेकिन ये आइन 1956 में मुकम्मल हुआ। अब कायदे जो थे वो 13 माह जिंदा रहे गवर्नर जनरल की हैसियत से। पाकिस्तान बनने के बाद 15 अगस्त को उन्होंने हलफ उठाया था और 13 माह गवर्नर जनरल की हैसियत से, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से जिंदा रहे। इस मुद्दत में, इस इतनी कलील सी मुद्दत में, थोड़ी सी मुद्दत में आपने अपनी बसीरत और कायदाना सलाहों से अहम कौमी मामला को सुलझाया और पाकिस्तान जिससे अपने कदमों पर मजबूती से खड़ा हो गया। दूसरा पॉइंट है कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की कादा व शख्सियत ने आज़ादी के बाद पैदा होने वाले मुश्किल का बड़ी खूबी से मुकाबला किया, ऐसा तरीके से उनको सुलझाया इन मुश्किल को। और हिंदुओं ने तो पाकिस्तान के लिए हर तरह की मुश्किल पैदा करने की कोशिश की थी, जिनमें कौन कौन सी मुश्किल थी पीछे वो पढ़ चुके हैं। साथ जाति गैर मसावी तकसीम थी, महाजरीन की आबादकारी का मसला था और उसके साथ महाजरीन के साथ नारवा जो हो रहा था उन पर मसला था और इंतजामी रिकॉर्ड भी बर वक्त नहीं पहुंच पाया था पाकिस्तान। कायद अजम ने हालात की नजाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया, उन्होंने पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट बनाया और सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल ईमानदारी से काम करने की तलकीन की। आपने हिंदुस्तान से अफसरान मंगवाने के लिए खास गाड़ियां चलवाई। उन्होंने कोई भी अफसर पाकिस्तान नहीं आने दिया था। जब पाकिस्तान बना था बेटा पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सिविल सर्विस के सिर्फ 81 ऑफिसर्स पाकिस्तान आ सके थे और इनमें से बहुत सारों को आला उदों का कोई तजर्बा नहीं था। तो कायद अजम ने सरकारी मुलाजमीन की नकल हमल के लिए उनकी मुंतकिली के लिए खास गाड़ियाँ चलवाई। इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए चौधरी मोहम्मद अली की सरकर्दगी में कमेटी बनाई। ये हवाई कंपनी से आपने माहदा किया जिससे सरकारी मुलाजमीन की नकल हमल शुरू हुई और इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए चौधरी मोहम्मद अली की सरकर्दगी में एक कमेटी बनाई। बेटा ये आपका आज का काम है, आपने अहम पॉइंट्स अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं और काम अच्छे से याद करना है रोज का रोज। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।